और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको लेटेस्ट प्राइवेट जॉब एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स मिलती रहे तो स्टार्ट करते हैं ऑफिशियल सर्कुलर ऑफिशियल सर्कुलर इनका ऑलरेडी इनकी वेबसाइट पर अपलोडेड है तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं नेक्स्ट आती है क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म 28 जनवरी से 15 फरवरी तक आप भर सकते हैं इसके लिए एप्लीकेशन फीस भी आप 28 जनवरी से पेमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं फेज वन जो एग्जामिनेशन रहेगा वो आपका फर्स्ट मार्च को रहेगा फेज टू एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा वो फर्स्ट अप्रैल को रहेगा uh, आपका जो पेपर सेकंड और जो पेपर थर्ड है वो डिपार्टमेंटल जो वाइज आपका जो पेपर है डी डी एस के लिए जो पेपर है आपका जो बाकी दो पोस्ट के लिए आपका जो पेपर है उसकी जो डेट रहेगी वो थर्टी मार्च के लिए रहेगी इंटरव्यू प्रोसेस की आपको डेट्स अभी बाद में नोटिफाई कर दी जाएगी फिलहाल के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आपका अट्ठाईस जनवरी से पंद्रह फेबर के बीच में ही आप फिल आउट कर सकते हैं वैकेंसीज को बात करता हूं। तीन पोस्ट के अकॉर्डिंग वैकेंसीज का वेफरकेशन किया हुआ है टोटल ऑफ वैकेंसीज की बात करता हूं तो 322 इनकी वैकेंसीज है फॉर द आरबीआई ग्रेड वी नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा इनकी एनुअल सैलरी अगर सीटीसी की बात करते हैं तो 12 से 14 लाख का आपका सीटीसी रहेगा जिसमें आपका सारी चीजें इंक्लूडेड रहेंगी पर्कस बेनिफिट सारी चीजें ग्रेड बी ऑफिसर की जो पे स्केल रहता है वो पैंतीस से पचास तक का रहेगा इट मीन्स आपकी बेसिक पे समथिंग अराउंड पैंतीस का रहेगा उसके बाद आपका इंक्रीमेंट और बहुत सारी अदर चीजें रहती हैं पर्गस वगैरह रहेंगे वो सारी चीज़ें डिफरेंट रहती हैं तो वो यहाँ पर आप डिटेल फॉर्म में देख सकते हैं इसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहां से भी आप देख सकते हैं पर याद रहे इनका सीटीसी की अगर हम बात करते हैं एनुअल सैलरी तो बारह से चौदह लाख की आर ग्रेड बी की सैलरी रहती है नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फ़ीस की बात अगर एप्लीकेशन फ़ीस जनरल के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो 850 इनकी 850 रुपए इनकी एप्लीकेशन फ़ीस है अगर हम बात करते हैं एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए तो इनकी एप्लीकेशन फ़ीस हंड्रेड रुपीज़ है नेक्स्ट आता है एग्जाम पैटर्न एग्जाम पैटर्न अगर प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो चार सेक्शन रहते हैं इनके प्रीलिम्स में फर्स्ट सेक्शन आपका जो रहेगा जीए का सेकंड रहेगा क्वांट का थर्ड रहेगा इंग्लिश का एंड फोर्थ रहेगा रीजनिंग का जीए में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन एट्टी रहेंगे हर क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा तो आपका एट्टी मार्क्स का रहेगा क्वांट में आपका हर क्वेश्चन एक मार्क्स का रहेगा तीस क्वेश्चन रहेंगे तो तीस मार्क्स के रहेंगे इंग्लिश में सेम रहेगा हर क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा तीस क्वेश्चन तीस मार्क्स के रहेंगे रीजनिंग में साठ क्वेश्चन रहेंगे और साठ मार्क्स के रहेंगे तो इट मींस हम सोच सकते हैं कह सकते हैं कि जीए का वेटेज ज्यादा रहेगा क्योंकि अस्सी नंबर की जीए आती है आपके प्रोलिम्स ग्रेड बी एग्जाम में टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे रहेंगे आपको चारों सेक्शन को सॉल्व करने के लिए मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इनके तीन पेपर के रहेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के लिए एक पेपर रहेगा जो कि सौ नंबर का रहेगा और जिसके लिए आपको टाइम नाइन्टी मिनट्स का दिया जाएगा पेपर टू जो कि इंग्लिश का रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा 100 नंबर का रहेगा 90 मिनट्स के लिए रहेगा पेपर थ्री फाइनेंस और मैनेजमेंट रहेगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा 100 नंबर का क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा तो ये प्रीलिम्स और मेंस की एग्जाम पैटर्न की बात है अगर हम बात करते हैं इसके इंटरव्यू प्रोसेस के लिए तो कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए बेस्ड ऑन दिगेट मार्क्सेंड इन पेपर वन टू एंड पेपर थ्री ऑफ द फेज टू एग्जामिनेशन याद रहे आपको phase का marks यहाँ पर देखा जाएगा पेपर वन पेपर टू और पेपर थ्री का इंटरव्यू प्रोसेस में आपके पचास नंबर की इंटरव्यू प्रोसेस रहेगी जो कि आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए हेल्प करेगी फेज वन एग्जामिनेशन सिर्फ क्लियरिंग राउंड होता है अगर आप उसको क्लियर करते हैं उसकी कट ऑफ को तो आप फेज टू एग्जामिनेशन के लिए अपेयर हो सकते हैं और फेज टू को अगर आप क्लियर करते हैं तीनों पेपर को तो फिर आप इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जा सकते हैं नेक्स्ट बात आती है एग्जाम सिलेबस क्या क्या टॉपिक्स हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो यहाँ पर क्लियरली रिटर्न है इंग्लिश में ये सारे टॉपिक्स आपको ग्रामर वोक्यवलरी एरर स्पॉटिंग अगर देखा जाए तो इंग्लिश में एस सच कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता है बट ये चीज है ये सेक्शन है इंग्लिश का पेपर इतने सेक्शंस में डिवाइड होता है तो वो यहाँ पर बताई हुई है कि कुछ ग्रामेटिकल रिलेटेड रहेंगी कुछ वॉकेबलि रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे कुछ कॉम्प्रीएंशन रहेंगे पैसेज मेकिंग रहेगा तो इस तरह का आपका सेक्शंस वाइज यहाँ पर वाइफिकेशन किया हुआ है इंग्लिश के लिए क्वांट के लिए बात करें तो प्रॉपर टॉपिक यहाँ पर रिटर्न है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के लिए बात करते हैं तो पजल सिटिंग अरेंजमेंट वहाँ भी टॉपिक्स दिए हुए हैं और जीए में भी बहुत अच्छे से क्लियरली लिखा हुआ है स्टेटिक जी के बहुत वाइट टॉपिक है बाकी अगर हम बैंकिंग टॉपिक की बात करें तो उनको आप अच्छे से कर सकते हैं जिससे 80 से कम से कम 70 नंबर का आपका वेटेज बैंकिंग का ही रहता है तो आप उसमें अच्छे मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बेसिक सिटीजनशिप और नेशनलिटी आ, इंडिया की सिटीजनशिप होना जरूरी है और ये सारी चीजें बेसिक हैं अगर हम एज लिमिट के लिए बात करते हैं तो आपकी एज ट्वेंटी वन ईयर्स टू थर्टी ईयर्स के बीच में होना जरूरी है बोथ द एज शुड बी इंक्लूडेड मतलब एज ब्रैकेट आपका इंक्लूड इसी में कवर होना चाहिए टू अप्लाई फॉर द आर बी आई ग्रेड बी एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए अगर हम एज रिलैक्सेशन के लिए बात करते हैं कुछ कैटेगरीज वाइज उन्होंने एज रिलेक्सेशन दिया हुआ है एस टी एस सी के लिए पाँच साल का एज रिलैक्शन दिया हुआ है ओ बी सी के लिए थ्री ईयर्स का दिया हुआ है फिजिकली फिजिकलीप्टीकैप्ट के लिए टेन ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है तो ये कुछ कैटेगरीज के लिए अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो 21 इयर्स टू 30 इयर्स का कोई भी बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफिसर ग्रेड बी डी जनरल के लिए मिनिमम 60 परसेंट मार्क्स आपका होना जरूरी है फॉर द जनरल और अदर कैटेगरी और एस के लिए फिफ्टी है

क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स uh, के लिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए तो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक है मतलब डिपार्टमेंटल वाइज आपका पेपर होगा तो उसके लिए है पीजीडीएम और एमबीए फाइनेंस होना जरूरी है विद द फिफ्टी परसेंट फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री इन द इकोनॉमिक्स तो मतलब जिस भी आप डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एजुकेशन की क्वालिफिकेशन लिखी हुई है लास्ट आता है आपका डीएसआईएम जो स्टेटिस्टिकल रिलेटेड रहता है तो उसके लिए स्टेटिस्टिकल रिलेटेड डिग्री होना जरूरी है और विद द फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स फिर ही आप इस पोजिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बाकी ग्रेड भी जनरल के लिए हर कोई अप्लाई कर सकता है सिर्फ आप बैचलर डिग्री हो और उसमें 60 आपका होता है तो आप कर सकते हैं डिपार्टमेंटल वाइज के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो डिपार्टमेंटल वाइज की डिग्री होना जरूरी है विद 55 ऑफ मार्क्स तो ये इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि आपको होना जरूरी है अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जैसे ही इनकी विंडो ओपन होगी एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देना तो वो मैं आपको टाइम टू टाइम डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो